धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने कल आप लोगों को दिखाया था मियां इब्राहिम, उन्होंने डिबेट के लिए चुनौती दी थी और उस चुनौती की स्वीकारोक्ति मैंने उन्हें लिख करके दिया और उन्होंने फिर कल भेजा है कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं। और मैंने अपने वक्तव्य में जो जो बोला है, जो विचार कुरान के ऊपर मैं दिया हूँ, उन्होंने कहा यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, और कहाँ गलती है मैं इनको खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो सामने बैठ करके डिबेट करें और कहाँ गलती है उसको दिखाकर दुनिया वालों को भी लाभ पहुंचाएं। क्योंकि अगर मेरे विचारों से दुनिया वाले गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं तो मैं भाई माननीय इब्राहिम साहब से यही कहूंगा कि दुनिया वालों को उन गलत फहमी के शिकार से आप बाहर निकालें। गलत प्रचार नहीं होना चाहिए। तो मैं अब तक के जो दिए हुए मेरे विचार हैं, जो मेरे वक्तव्य दिए हुए हैं कुरान पर, आपने कहा वहां ये गलती है, वहां ये गलती है, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं कि कोई भी गलती मुझे दिखा दे और आपके गलत दिखाने पर मैं अपनी गलती को छोड़कर फौरन आपके सच्चाई को स्वीकार कर लूंगा और मेरी फिर चुनौती आपसे है कि कहीं आप गलत फहमी के शिकार हैं तो क्या आप कुरान के उन गलती को छोड़कर वेद के आगोश में आएंगे? ये मेरी बात सत है, मैंने जो प्रमाण दिया वो सत है, तो क्या आप उस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, कुरान से अपना नाता तोड़ेंगे, कुरान को या इस्लाम को अलविदा कहेंगे? ये आपसे मेरी विनती है। बाकी रही बात कि मैं अभी खाता नहीं खोलूंगा, खाता सामने आने के बाद, सामने बैठने के बाद खोलूंगा। आपने कहा कि इस चैटिंग के माध्यम से यूट्यूब में डिबेट हो, नहीं नहीं संभव ही नहीं है। यूट्यूब में डिबेट होना संभव नहीं है। डिबेट होता है सामने सामने बैठकर, और मैं बोला कि सामने बैठकर डिबेट ही नहीं अपितु बकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करना है। मैं आपको 28 जून का समय दिया हूं, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा आर्य समाज में स्थान बता दिया हूं और विषय बता दिया हूं कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, कुरान और ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग, मानवता का पाठ वेद में है या कुरान में, ये तीन विषय मेरी तरफ से रहेगा। और आपने कहा है कि मैंने जो हवाला दिया, प्रमाण दिया कुरान के ऊपर, जो मैंने बोला, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे वीडियो लगे हुए हैं, उसमें गलतियां हैं, आप उन गलतियों को दिखाएंगे। अगर नहीं दिखा पाए तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आपको सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा, बकायदा ये स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही होना है ताकि आगे के लिए कोई किसी को दोष न देने पाए और दुनिया वालों को भी ये पता लगे सत्य कहाँ है, सत्य वेद में है या सत्य कुरान में है, सच्चाई इस्लाम में है या सच्चाई सत्य सनातन वैदिक धर्म में है। भारत में बहुत पहले ये काम आर्य समाज के द्वारा चलाया हुआ था, आर्य समाज ने जोड़ा था, उसी परिपाटी को, उसी परंपरा को मैं उजागर करना चाहा
इस कारण अब तक मैं आप लोगों को यही बताता आया हूं। और आपने जो अय्याम के माने दिन, दिन का आपने युग बताया, युग माने दिन होता है, और आपको ये अकल ही नहीं है, मैं तो लिख करके दिया कि 12 वर्ष का एक युग होता है। अगर अल्लाह ने अय्याम के माने दिन आपने बता दिया है, तो दिन सूरज के बगैर अल्लाह को दिन का पता कैसे लगा, जबकि सूरज को तो बनाया चौथा दिन में बताया गया है। और कहीं अल्लाह का सिंहासन सातवां आसमान पर है और कहीं पानी पर है, परस्पर विरोधी बातें हैं। खैर मैं अभी खाता नहीं खोलूंगा, मैं चाहता हूं कि ये सामने बैठ करके, मैं तो क्या, मेरे जो तैयार किए हुए शिष्य मंडली हैं, मेरी खुली चुनौती है कि एक को हरा करके दिखाए इस्लाम, या इस्लाम के मानने वाले, या मियां इब्राहिम, किसी एक को हरा करके दिखाए तो फौरन हम सांगो पांग स्वीकार कर लेंगे। और अगर आप लोग हार गए तो आप लोगों को भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, यह मेरी खुली चुनौती है। जब अल्लाह ने 'वलकद खलकना समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्म इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफस्सिरुल आया कहा है, जिस पर आपने टिप्पणी की है, युग दिन के माने युग है, तो फिर कुन कहां चला गया अल्लाह का? जब अल्लाह कुन कहने पर हो जा कहने पर हो जाता है, फयाकुन पस हो जाता है, तो क्या अल्लाह को कुन कहने में 6 दिन लग गए थे? कुन कहने में 6 दिन लगा, जो 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाए? अल्लाह को तो आसमान का भी पता नहीं, ना आप लोगों को पता है आसमान किसे कहा जाता है। खैर मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल 2 टुक आप लोगों से ये बता रहा हूं। ये सैफुल काजी, आ जाओ काजी, काजी हो या पाजी हो, सामने आओ, खुली चुनौती है मेरी, खुली चुनौती है। अल्लाह इल्म वाला है, यही इल्म है अल्लाह का। कभी कह रहे हैं कि अल्लाह का तख्त पानी पर जुनबुश है, और कभी कहा सातवां आसमान पर है। खैर मैं ये सामने बैठ करके डिबेट करने पर तब पता लगेगा, ये इससे पता चलने वाला नहीं। लेकिन मैं डिबेट के लिए ये शर्त बता दिया हूं कि डिबेट के लिए ये लिखा पढ़ी हो करके होना है, स्टैम्प पेपर में बकायदा वकीलों के द्वारा इसकी लिखा पढ़ी हो। मैं हार गया तो मैं इस्लाम वाला बन जाऊंगा, इस्लाम स्वीकार करूंगा, और आप लोग हार गए तो आप लोगों को वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। और सैफुल काजी क्या लिख रहे हैं, सूरज के बिना दिन का पता क्यों नहीं चल सकता अल्लाह को? अरे सूरज के बिना दिन का पता अल्लाह को कैसे चल जाएगा मूर्ख? सूरज के बगैर दिन का पता कैसे चलेगा? बोला अल्लाह को क्यों नहीं चल सकता, यही तो तुम्हारी मूर्खता है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि अकल को गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास। आ जाओ सामने, कितना जानते हो पता लगेगा। सामने बैठ करके डिबेट करेंगे इब्राहिम मियां। और ये कौन सा काजी है, ये सैफुल काजी, बंगला में लिखा है सैफुल इस्लाम काजी। सैफुल इस्लाम काजी हो और कोई भी गैर इस्लाम काजी हो, आओ सामने आओ, काजी हो या हाजी हो या पाजी हो या क्या हो, सामने आने पर पता लगेगा। डिबेट करने के लिए मैं चुनौती दे रहा हूं, सामने बैठ करके डिबेट करो, आमने सामने बैठ करके डिबेट करो, ताकि दुनिया वाले भी जाने इस बात को। लिखा पढ़ी करके डिबेट होना है स्टैम्प पेपर में। इसलिए मियां इब्राहिम साहब आपको भी ये खुली चुनौती, मैं तो आपको उसी समय उस दिन ही लिख करके दिया था, फिर आपने कल वीडियो भेजा है, मैं उस वीडियो के एवज में ये वीडियो बना करके दे रहा हूं। आपने उसको यूट्यूब में भी डाला हुआ है, शायद किसी ने मेरे को कहा कि यूट्यूब में आपने डाले हैं, और मैं भी इसे यूट्यूब में डाल रहा हूं। इसलिए आइए सामने बैठ करके हम डिबेट करें, निर्णय केवल ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, सच्चाई वेद में है या कुरान में, धर्म वैदिक है या इस्लाम,
इन बातों को दुनिया वालों को भी पता लगे, या इन बातों का पता दुनिया वालों को भी लगे, इसलिए मैंने केवल दो टुक आपसे निवेदन किया। बाकी तो मैं खाता खोलूंगा सामने बैठकर। और मैं बोला ना कि मेरे एक एक शिष्य ऐसे हैं जिसको संपूर्ण इस्लाम जगत के लिए चुनौती दे रखा हूं मैं, कि एक को हरा करके दिखाए, चाहे वो कार्तिक अय्यर को हरा करके दिखाए, चाहे हमारे विप्लव मंडल को हरा करके दिखाए। ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे हजारों में तैयार किया हूं, संपूर्ण भारत भर में, जहां कहेंगे जिस शहर में बोलेंगे उस शहर में ही हम दे देंगे आपको। खैर मैं लंबा नहीं करना चाहता, और जितने भी पंडित जी सभी पुस्तकें वो वेद ऋषि पर उपलब्ध होगी। हाँ अरे आचार्य जी बहुत याद दिलाया आपने, मैं तो आपके पैकिंग कर दिया कि माननीय हमारे आचार्य जी ऋषि देव जी ये कह रहे हैं कि मेरी जो पुस्तकें हैं, मेरी जितने भी पुस्तकें हैं अब तक पूर्व इमाम के कलम से, और बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, वर्तमान समय में ये दो पुस्तकें हैं जो आप ये ऋषि ऋषि देव जो आचार्य ऋषि देव जी की अपनी संस्था है, और वह पुस्तक का ही उनका काम है। मैं वो राहुल के साथ भी मैं देखा, राहुल के पास भी बहुत पुस्तकों को उन्होंने दिखाया है, और मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ आचार्य जी इस काम को कर रहे हैं। तो मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं सब आचार्य जी से आप ले सकते हैं, दिल्ली में ही उपलब्ध हो जाएगा, भले ही मैं कहीं हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी हूँ आचार्य जी से मेरी पुस्तक को आप लोग मंगवाएंगे, ऋषि देव जी से, जो उनकी वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी जा करके आप इनकी मांग कर सकते हैं। तो मैं आचार्य जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और आचार्य जी ने एक पुस्तक छापने के लिए भी पूरा खर्चा उठाए थे मेरी एक पुस्तक को छापने के लिए, और आचार्य जी अब भी कह रहे हैं कि पंडित जी पुस्तक जितनी भी है मैं सारा छपवाऊंगा। तो मैं आचार्य जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। बाकी जितने भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये मियाँ इब्राहिम हो या ये काजी हो, वो इन सब को सामने बैठ करके डिबेट करने के लिए आप लोग भी प्रेरित कीजिए। वो सामने आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ऋषि देव जी भी यही कार्य कर रहे हैं। उनकी जितने भी ये पुस्तक हैं, वो पुस्तक सब वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही वो पुस्तक है, वैदिक मर्यादा के आधार पर ही वो पुस्तक है, और आर्य समाज जन्म काल से इसी काम को करता आया है। यद्यपि आर्य समाज के अधिकारी लोग इस काम को छोड़ चुके हैं, जिससे हमारा आर्य समाज का जितना प्रचार होना था उतना नहीं हो पाया। ये केवल साल में यहाँ वहां इस देश में उस देश में जलसा उत्सव करा देते हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है, उससे इतना प्रचार नहीं हो पाएगा। जो एक खुली चुनौती शास्त्रार्थ के लिए, ऋषि दयानंद को जाना भी इसी तरीके से, ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी लोगों को, तभी वो सामने आ पाए, नहीं तो लिखने के माध्यम से और इस तरीके से प्रचार तो मुंशी इंद्रमन जी ने भी किया, उससे पहले राजा राम मोहन राय ने भी किया, सर यदुनाथ सरकार ने भी किया, लेकिन ऋषि दयानंद का कार्य केवल शास्त्रार्थ के माध्यम से ही उजागर हुआ है। तो शास्त्रार्थ के लिए ये परिपाटी महेंद्र पाल आर्य का जोड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा है अब्दुल्ला तारिक से डिबेट, तारिक मुर्तजा से भी डिबेट, वहां मौलाना फारूक खान जो कि कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी अनुवादक है, उनके साथ भी 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली दिल्ली, खारी बावली आर्य समाज में, नया मास आर्य समाज में मेरा डिबेट हुआ, और धर्मपाल जी की अध्यक्षता में हुई है, लेकिन धर्मपाल जी उसमें भी खूब सक्रियता नहीं दिखाए, और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करवाई उसकी, और वो तो इस पक्ष में भी नहीं थे, वो तो हमारे मित्र भाई लालचंद गुप्ता जी के प्रयास से वो कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि आर्य समाज के अधिकारी ये नहीं चाहते, ये बनिया लोग हैं, ये चाहते हैं कि झंझट ना मोला जाए, और इनको मैं अब्दुल्ला तारिक के साथ जो डिबेट था इन्हीं को मैं साथ ले गया था, इनको मैं अध्यक्ष बनाया था, ये निर्णय भी नहीं दे पाए,
और जब डॉक्टर सतीश ने वो वीडियो भेजा और इन्होंने मेरे से झूठ बोला कि नहीं उसमें तो कुछ है नहीं, वो तो खाली है, बाकी उसी वीडियो को फिर मैं उपलब्ध करते हुए संपूर्ण विश्व के आंगन में लोगों ने देखा है अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट। तो ये सब आर्य समाज के लोग हैं, आर्य समाज के लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ये उजागर नहीं हो पा रहा है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आज ये मनुवादी मनुवादी जो चिल्ला रहे हैं, मनु के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं, मनु के खिलाफ जो बोले जा रहे हैं, चाहे वो रणबीर सेना हो, ये सेना हो, वो सेना हो, कोई भी सेना हो और कोई भी आना बाना हो, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आर्य समाज ने जब इस मनुस्मृति का प्रचार किया, ऋषि दयानंद ने भी लिखा है कि वेद के बाद अगर किसी पुस्तक को मैं मानता हूं तो वह पुस्तक है मनुस्मृति। इसलिए शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि श्रुति स्मृति सदाचारा सहसा च परिमनात्मा एते चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म संलक्षणम। श्रुति वेद स्मृति मनुस्मृति आदि पुस्तक सदाचार लोगों का भाषण व्याख्यान आदि, जो अपना दिस तस्लीम करे उसी का नाम धर्म है। तो मनु का प्रचार यानी मनुस्मृति का प्रचार जब विशुद्ध मनुस्मृति आर्य समाजियों ने ही निकाला है, भाई डॉक्टर सुरेंद्र जी ने इसको लिख करके उजागर किया है, तो उसका प्रचार आर्य समाज के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आर्य समाज के लोग उसी मनुस्मृति का ही प्रचार करते होते, ये टीवी में बैठ करके एक चैनल में बैठ करके धर्मपाल जी और विनय जी ने बोला है, बल्कि उससे क्या प्रचार हो रहा है? ये लाल किला के सामने में खड़े हो करके वो लोग बोल रहे हैं, आपकी कोई पकड़ है कहीं किसी टीवी चैनल में? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज को ग्रास किया है आर्य समाजियों ने, क्योंकि तथाकथित आर्य समाजी मनाम रट्टू तोता मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूं। तो वो सभी पुस्तकें ऋषि देव जी के पास आप लोग आ जाएंगे। मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि आचार्य जी से आप लोग संपर्क करें, मेरी सभी पुस्तकें आप लोग वहां से उपलब्ध कर सकते हैं। तो मैं इब्राहिम के लिए दो टुक बोलना उचित समझा, और ये वीडियो उसी इब्राहिम को जो मैं कल दिया हूं आप लोगों को, उसी इब्राहिम को आप लोग भी भेजिए और आप लोग कहिए उनको कि बाहर निकल करके आओ, घर में बैठ करके डिबेट होना नहीं है। उसने लिखा आपके पास जाएंगे समय खराब होगा पैसा खर... अरे मैंने उसमें लिखा कि आप मेरे मेहमान होंगे, सारा खर्चा हमारा होगा, हम सारा खर्चा वहन करेंगे। आर्य समाज सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, आर्य समाज सूरजपुर के लोग अधिकारी वो सारा खर्चा वहन करेंगे। और ये शास्त्रार्थ के लिए मार्च महीना में भी वही समय दिया था, अप्रैल महीना में भी वही समय दिया था, मई महीने में भी वही समय दिया, फिर मैं जून 28 का समय दे रहा हूं। आओ सामने आओ, कोई बैठ करके डिबेट करो, लिखा पढ़ी करके डिबेट करो। मैं हार गया तो सब स्वीकार करूंगा, आप हार गए तो वैदिक धर्मी बनो। बस आर्य समाज के माध्यम से महेंद्रपाल आर्य का ये दो टुक कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय लाइव में मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं और सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ इस तरीके से अपना समय निकाल कर जुड़ जाते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों का धन्यवादी हूं और धन्यवादी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बाबू आसुरे जल्दी आ, बैटरी लगा।
Ok, ars. Devi dire sarei compare.